हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं तरबूज के छिलके से टूटी फ्रूटी कैसे बनाई जाए। जैसे ये तरबूज का छिलका है, हम खा लेते हैं तरबूज तो इसे फेंक देते हैं, लेकिन टूटी फ्रूटी जो बेसिकली बनाई जाती है वो कच्चे पपीते से बनाई जाती है। आज हम इसको इसके छिलके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी ये बनती है। यहाँ पे आजकल गर्मियों में शेक्स बनते हैं, आइसक्रीम बनती है, या फिर आप कुकीज़ वगैरह बनाना चाहते हो, बच्चों के लिए कोई भी आप डेजर्ट बनाते हो उसके अंदर टूटी फ्रूटी डाल दो तो उसका कलर और उसका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। तो आज हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक तरबूज का छोटे का छिलका है मेरे पास। इसको पहले हमने ऊपर से पील कर लेना है। ऊपर से जो इसका ये वाला छिलका है, हार्ड वाला, ये हटा देना है। ये जो रेड वाला हिस्सा है ये बिल्कुल नहीं रखना है हमने। ये इस तरह के हमने ये निकाल लेने हैं पीसेस। अब हम क्या करते हैं, चॉपिंग बोर्ड पे छोटे छोटे पीसेस इसके कट कर लेते हैं। जैसे कि छोटी छोटी ही होती है टूटी फ्रूटी, तो हम इन्हें इस तरह छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेंगे सारे तरबूज के छिलकों को। लीजिए, इन सबको हम इस तरह काट कर आपको दिखाते हैं फिर बाद में। अब देखिए, सारी मैंने जो छिलके थे सबको इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसे काफ़ी सारी टूटी फ्रूटी बन जाएगी। जैसे आप एक से, मतलब कभी भी ख़राब नहीं होती है ये, आप 2 से 3 महीने इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें और फ्रिज में रख दें, तभी ये कभी ख़राब नहीं होगी। ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। टूटी फ्रूटी जो बनानी है पहले हम इसे बॉयल करेंगे। पानी अभी थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें हम ये सारे पीसेस डाल देते हैं और इसे मिनिमम हम तकरीबन कम से कम 5 से 6 मिनट पकाएंगे, अच्छी तरह बॉयल आने तक। मतलब 5 से 6 मिनट बॉयल आने के बाद पकाना है आपने। अब इसे अच्छी तरह पहले पानी में डिप कर देते हैं। लीजिए, इसे मैंने पानी में अच्छी तरह डिप कर दिया है और इसे 5 से 6 मिनट अच्छी तरह पकने देंगे। इसे पकते हुए तकरीबन हो गए हैं 5 से 6 मिनट, हम खोलकर देख लेते हैं। अब देखिए, इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं। तो जब ये इस तरह के दिखने लग जाएं कि थोड़े ट्रांसपेरेंट टाइप में, तो आप फ्लेम को कर दो बंद और अब इसे आप स्ट्रेन कर लो, जिसमें से पानी निकाल कर थोड़ी देर इसको पानी निचोड़ने तक रख दो साइड में। तो देखिए, सारे मुझे पके हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं ये। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। अब लीजिए, इस तरह स्ट्रेन करके हम पानी निचोड़ने तक इसे 5-6 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है इसके अंदर सारा वो निकल जाए और ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। अब मैंने उसे निचोड़ने के लिए रख दिया है टूटी फ्रूटी को। अब एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम 1 कटोरी चीनी की डालेंगे। मिनिमम ये 200 ग्राम के करीब चीनी है हमारे पास। 1 कटोरी चीनी की डाल दी है तो यहाँ पे हम 1.5 गिलास छोटे वाला पानी का डाल रहे हैं। 1 गिलास हमने डाल दिया है, आधा गिलास और डाल देते हैं। 1.5 गिलास पानी का डालकर शुगर को मेल्ट होने तक बॉईल कर लेते हैं। अब देखिए, पानी और चीनी में बॉईल आ गया है, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो टूटी फ्रूटी बॉईल की है वो डाल देते हैं। और इसे मिक्स कर देते हैं। अब हमने इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट इसी शुगर सिरप में पकाना है, मतलब चीनी के घोल में पकाना है, ताकि जो ये पीसीज हैं छोटे छोटे ये सारे मीठे हो जाएं, अंदर तक रस जाए इसके अंदर मीठा। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक पका लेते हैं अच्छी तरह। बॉयल आने के बाद आपने टाइम काउंट करना है, जो भी इसका बॉयलिंग टाइम होगा। अब देखिए, इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब जो ये चाशनी है थोड़ी वो भी गाढ़ी हो गई है और मैंने इसको टेस्ट करके देखा है। एक पीस आप यहाँ से उठाकर खा के देख सकते हैं, काफ़ी इसके अंदर मीठा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब फ्लेम को कर देते हैं बंद और जितने कलर की आपने टूटी फूटी बनानी है उतने कलर में आप इसे डिवाइड कर लो। जैसे 4 कलर की बनानी है तो 4 कटोरियों में आप इसे डाल लो पहले।
अब टूटी फ्रूटी को मैंने कटोरियों में डाल लिया है, चार कलर की हम बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ग्रीन कलर डाल देते हैं। आप कलर अपनी चॉइस के दे सकते हो, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, वाइब्रेंट कलर, लाइट कलर, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप डाल दें। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, ये मेरे पास लिक्विड कलर है। थोड़ा सा कलर यहाँ पे ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब करेंगी, तो कलर थोड़ा ज़्यादा ही आपको डालना पड़ेगा। देखिए इसे आपने डिप करके छोड़ देना है 1-1.5 घंटे के लिए, हम इसे बाद में निकालेंगे। अब यहाँ पे ये मेरे पास येलो कलर है, येलो कलर डाल देते हैं इसके अंदर और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। अब मेरे पास ये रेड कलर है, रेड कलर डालेंगे इसके अंदर और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑरेंज से थोड़ा मैच कर रहा है लेकिन ये रेड है। अब हम इसे डिप करके छोड़ देते हैं 1.5 घंटे के लिए, उसके बाद हम इन्हें निकाल कर सुखा लेंगे और हमारी टूटी फ्रूटी रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सस्ते ढंग से जो चीज़ें हम फेंक देते हैं उनसे हम बना रहे हैं, तो क्यों ना बनाई जाए। और आप इस वीडियो को ट्राई ज़रूर करें एक बार, ट्राई करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने कम समय में एक वेस्ट चीज से बहुत ही अच्छी एक रेसिपी बना ली है। अब देखिए इसको रखे हुए सबको तकरीबन 1.5 घंटे के करीब हो गया है। अब हम इन्हें इसमें से निकाल कर सूखने के लिए रखेंगे। अब मैंने एक ट्रे ली है, आप कोई प्लेट कुछ भी ले सकते हैं, मैंने ट्रे ली है अपनी। इसमें हम इनको थोड़ा निचोड़ के निकालेंगे, जैसे ये मेरे पास जाली सी है और इसको हम इस तरह निचोड़ के पानी को, इसके जो सिरप है बिल्कुल डालेंगे। और ये जो ट्रे है इसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया है ताकि इसको सुखाने में और बाद में निकालने में कोई दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। इस तरह हमने बिल्कुल अच्छी तरह निचोड़ कर इसे निकालना है और अच्छी तरह फैला कर सुखाना है। मैं सभी को निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब लीजिए सारी टूटी फ्रूटी को मैंने ट्रे में निकाल दिया है, चारों कलर हमने ट्रे के अंदर डाल दिए हैं। अब इसे पूरा दिन हम धूप में रखेंगे और जब आप धूप में रखोगे इसे तो बीच बीच में आप चम्मच की हेल्प से इन्हें हिला दीजिए ताकि जो नीचे का मॉइस्चर है वो भी सूख जाए अच्छी तरह। आपने 1-1.5 घंटे के बाद इसे अच्छी तरह हिला लेना है और हो सके तो अच्छी सी धूप में रखें, तकरीबन ये 1 दिन में सूख जाएंगे। अगर थोड़ा आपको लगे कि मॉइस्चर है तो आप 2nd डे भी इसे सुखा कर एयर टाइट कंटेनर में डालकर फ्रीज में रख सकते हैं। तो लीजिए इसे मैं सूखने के लिए रख देती हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगी। अब देखिए टूटी फ्रूटी हमारी सूख गई है, मैंने इसको पूरा दिन रखा था धूप में तो ये काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा नहीं है, आप स्मूदीज बनाइए, बच्चों के लिए कुकीज़ बना सकते हैं, आइसक्रीम बनाइए, कुछ भी बना देंगे उसके ऊपर इसे डालें तो जो उस चीज़ का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। अब मैं इन सबको इकट्ठा कर देती हूँ क्योंकि कलर तो अब डालने में ही दिखने हैं, कहीं किसी चीज़ को भी डाल दीजिए आप। अब सबको इकट्ठा करके एक कंटेनर में डाल देते हैं। आप देखिए एक कितनी कलरफुल हमारी टूटी फ्रूटी बनकर तैयार हुई है। मार्केट से तो ये बहुत अच्छी बनी है और टेस्ट में लाजवाब है बिल्कुल। तो इसे मैं कंटेनर में डाल देती हूँ। अब टूटी फ्रूटी को मैंने कंटेनर में डाल दिया है और इसे अब हम फ्रिज में रख देंगे और किसी भी डेजर्ट के ऊपर आप इसे डाल दीजिए। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया हो बनाने का तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।